और सर यही करा रहे हैं यहाँ का घटोत्कच महोत्सव। मैं आपको बता दें और कोई नहीं, पवनदीप राजन के फादर साहब हैं और जो भी हैं सब लोग इस तरह को तो इतना चढ़ाइए कि हम सर के पास आए हैं और ये हम कर यहाँ इनके साथ। उत्तराखंडी छोड़िए, भारत छोड़िए, विदेशों में भी इंदर आर्या जी की। रे पवन भाई ने मेरे को बोला, इंदर भाई आपका एक गाना ना बहुत अच्छा लगता है वाला सारा रा रा घूमला। पवन खुद इंदर भाई का फैन है, आपका गाना ना हो मंचू पे भी अब गाए, विदेश में जा रहा यूरोप टूर है उसका। नए दिन की शुरुआत हो गई है, वही उसी हिसाब से उसी एनर्जी से। और अभी हमें अपनी गाड़ी के बीच, और गाड़ी भाग रही है बहुत ही तेज, और ये भागने वाले कौन है? वाला गाना सुने भाई, स्पीड देखो, ओ गोड़ी एक बार वहाँ स्पीड देखो, कहाँ क्या जा रही है स्पीड, हिल रहा है वो भाई 120। तो भाई तहलका मचा दिया, गाना नहीं था वाला। ओ गोड़ी जाड़ी खेड़ी आया मैं, ओ गड्डी सोनी सोनी लाया मैं, ओ गोड़ी काड़ी झड़ी आया मैं, ओ गड्डी सोनी सोनी लाया मैं, ओ लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोनिए। तो भैया हम हैं अभी, आपको मैं बता दूं, आज हम जा रहे हैं दा के साथ, आज भी स्टार नाइट है आपकी चंपावत में, घटोत्कच महोत्सव 2022। तो आपको दा बताएंगे घटोत्कच महोत्सव 2022। तो दा आपके साथ कौन कौन लोग हैं आज जो स्टार नाइट में परफॉर्म करेंगे? हमारे उत्तराखंड की सुर कोकिला दी माया दी है, और हमारे क्रीम पाउडर फेम राकेश खनवाल एंड माया पटियाई जी। बस अभी मेरी शुरुआत है स्टेज प्रोग्राम की, मैंने कुछ ही प्रोग्राम कर रखे हैं जब से लॉकडाउन लगा 20 में 21 में, तो 19 से मेरा ऐसे स्ट्रगल चल रहा है और स्टेज प्रोग्राम हुए नहीं थे, तो अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं प्रोग्राम, तो ठीक है हो रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं बस, जो हमारे उत्तराखंड के पुराने पुराने दिग्गज सिंगर लोग हैं और उनके साथ हम सीख रहे हैं। और साथ में हमारे कौन है आप जानते हो इनको? यह है हमारे मिस्टर आर्या जी। मिस्टर आर्या जी का ब्लॉगिंग चैनल है, और आपको मैं बता दूं, भैया के 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो भी कम टाइम में, बहुत अच्छा ये वीडियोस बनाते हैं। तो इनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें यार, मेरे चैनल को भी मिस्टर आर्या जी, मिस्टर आर्या जी भैया को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो यहाँ से चंपावत लिखा है आपका, एक बार गौर कीजिएगा, लोहा घाट यहाँ से है 81 और चंपावत 68। सर पे पुल देख रहे हो? मुझे को पुल देख रहे हो वहाँ से चला के, इसमें पेड़ों के बीच में घाम है क्या? वैसे पेड़ ऐसे हैं, घाम है, घाम यहाँ भी है देखो, घाम है वो कलर है नहीं यार। कैसे हैं छोटे भाई हमारे? और ये हमारे इंदर भाई है, और ये हम है, और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। वो हॉल लागो यानी हॉल नहीं छुआ गेरे बॉर्डर है ये भी। सो यार ये हम आए हैं लद्दाख की वादियों में, और यहाँ इंदर भाई ने मतलब ठान लिया है कि अब हम ऐसे ही ट्रैवल करेंगे, तो बने रहेगा आपसे ब्लॉग में, अपडेट मिलती रहेंगे आपको, ठीक है? आप कुछ कहते पर वो है देखो चंपावत 39 किलोमीटर ये इकली ग्वालत ले जाए, फिर क्या था? मेरे गौर बकरा ले जाए। सो तगड़ियों ये पहाड़ पीछे कर लो यार, ऊपर को से नीचे ये पहाड़ पीछे कर, गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे, दादा पीछे करो क्या गाड़ी? सो गाइस ये रास्ता खराब होने के कारण हमें रुकना पड़ रहा है 5-10 मिनट, वो सही कर रहा है आपका जीसी। हम आ गए आपका चंपावत के अंदर, एंटर कर चुके हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ बहुत ही पहले या तो अभी मौसम है सारे इतना सुंदर लग रहा है मौसम भी और एरिया, जैसे सुबह दिखाएंगे हम ऐसे सुबह तो दिखाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तो परमानेंटली हमारी गाड़ी चलाई है दादा ने, पूरा टनकपुर से यहाँ तक टेकी है इंदर दा। दादा तो गाड़ी सही चला रहे, कुछ जो ऐसे चलाते हैं उनको पता है महंगा की गाड़ी आ रही है, फिर भी सामने लेके आ। ये है आपकी मेन बाजार, आपकी मेन बाजार, और ये देखो आप गंगोली हाट, अल्मोड़ा, मुंशारी, द्वाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़।
तो ये सर हैं हमारे और पवनदीप चीफ के फादर साहब। सर कैसे हैं आप? आपने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, दाके भी फर्स्ट टाइम आए हैं चंपावत में और अपना आज रंगमंच में अपनी कलाकृति को दिखाएंगे सब लोगों के सामने और चंपावत ऑडियंस के सामने। और सर यही करा रहे हैं यहाँ का घटोत्कच महोत्सव 2022। बिल्कुल, हमारे भतीजा हुआ इंदर आर्य जी, अभी उत्तराखंड ही छोड़िए, भारत छोड़िए, विदेशों में भी इंदर की आवाज़ के दीवाने हैं, तो मेरा भी उनके लिए हमेशा आशीर्वाद रहेगा, खूब नाम कमाएंगे। आज मात्र एक बार मैंने कहा, क्योंकि समिति का सांस्कृतिक संयोजक मैं ही हूँ, यानी मैंने एक ही शब्द का उन्होंने बोला, चाचा मैं जरूर आऊंगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदर आर्या जी आज हमारे चंपावत में पहुंचे और आप लोग भी पहुंचे, आप लोगों का ढेर सारा। लेकिन आप, आपका आभार है, आपका प्यार है। और एक चीज मैं आपको बता दें, और कोई नहीं, पवनदीप राजन के फादर साहब हैं और ये ही पूरा घटोत्कच महोत्सव करवा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है, हम सर के पास आए हैं और ये हम कर यहाँ इनके साथ खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। और थोड़ा सौभाग्य हमें दा से भी मिला, जो दा का जो इतना टैलेंट है, जो यहाँ लोगों को खींच के ला रहा है, बुला रहा है। इंद्रयार जी की एक झलक देखने के लिए, तभी मैं होटल अभी गुपचुप में रखेंगे इनको, बाद में फिर परफॉर्मेंस के समय उनको पूरी सेफ्टी के साथ ले जाएंगे। यस यस, ये भी होने वाली है इनको देखने के लिए, एक झलक। गाने तो होते रहेंगे लेकिन देखने के विचार। तो यही चीजें सब आप ही पॉसिबल करा रहे हैं और छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़ के सब ऊपर को जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, मिलते हैं आपसे, बने रहेगा आज ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तेरा लहंगा क्या भला चांजरो, रंगीली पिछाड़ी है वो, जरा आंखों में लगा ले काजला, नजर लागली। धन्यवाद, बहुत ही सुरीली आवाज में जादू है। तो इंदर जी सबसे पहले सभी को मेरा प्यार है, नमस्कार। मेरा नाम है इंदर आर्या और मैं रहने वाला हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दनिया से, जहाँ से हमारे गुरुजी बिलोंग करते हैं, नैना राहुल जी, आप सभी जानते हैं उनको, पितामह हुए उनके, बगल वाला ही गांव हमारा है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं रहता हूँ हल्द्वानी। इंदर जी, सबसे फर्स्ट गाना आपने कौन सा गाया था? मेरा सबसे फर्स्ट गाना जो था, मैंने अपने वाइफ के ऊपर गाया था, वो पुष्पा करके। तो आप पहाड़ी कुमाऊनी के साथ साथ, सॉरी, गढ़वाली कुमाऊनी के साथ साथ हिंदी गाने भी गाते हो? हिंदी गाने तो अभी तक नहीं गा रखे मैं। शौक रखते हो? शौक तो नहीं, मतलब मैं पहाड़ी गाता हूँ तो पहाड़ी फोक ही गाता हूँ ज्यादातर, मतलब अपने पहाड़ के ऊपर ही गाता हूँ। बाकी बॉलीवुड सिंगर हमारा पवनदीप भाई है, बाकी वो निपटा रहे हैं। आपसे जानने की सोच है, जो आपका एक और जो वायरल गाना है, मॉडर्न वाला, कुमाऊं मॉडर्न वाला, उसको गुनगुना। अरे अखिल बार अली आए बखत ली बेरा, यकीनी करू लो अपनी छजीलों की सहरा, छजीलों की सहरा, दीदी न काट्यू रे ते के कहाँ घुमाऊ, छोरी कहाँ घुमाऊ, अरे अंग्रेजी मैडम देखे मॉडर्न घुमाऊ, मेरा मॉडर्न घुमाऊ, छोटे छोटा बाटा मेरा, छोटा छोटा गाँव मेरा, छोटा छोटा गाँव। धन्यवाद जी। आप जैसे उत्तराखंड के जो भी गायक कलाकार हैं, उनमें से किसको आप आदर्श मानते हैं? मैं आदर्श मानता हूँ हमारे गुरुजी श्री नन्ना राहुल जी को मानता हूँ। उनका कोई सर गाना कुछ सुना नहीं? उनके बहुत सारे गाने, उनका जो मैंने एक हिट गाना गाया था, हिट मधुली, मधुली हिट गड़ा पहाड़ा जुना, उनका एक बहुत अच्छा गाना था, अरे स्कूल को मुख ना देखो, कहले मेरो सुख ना देखो, और जीवन बीती गो है सी बेरा, अरे दुख याद आई जानी रोई बेरा। दर्जी, हमारे माता बहने युवा साथियों के लिए कुछ पेंट शॉर्ट सिंपल क्या कुछ मैं युवा साथी के लिए ये गाना था, जो भी जिस फील्ड में भी हैं, जो भी काम करते हैं दिल से करें, मतलब आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो, मेरा मतलब कि जैसे मैंने संघर्ष करा, मैंने अपने अपने जो कठिन भरे दिन है होटल लाइन में बिताए, मैंने करीब 15 साल अपने होटल लाइन में गुजारा है, तो आज मुझे इस लाइन में 15 साल आपने होटल में? हाँ जी, हाँ जी, 15 साल मैंने होटल लाइन में जॉब करा। आज मैं 2018 से मैंने फर्स्ट गाना 15 अगस्त के दिन मेरा फर्स्ट गाना लॉन्च हुआ था, डाला हमने, वो सबसे बड़ा उसका क्रेडिट देना चाहूँगा मैं श्री आनंद सिंह कोरंगा जी, जिन्होंने मुझे स्टूडियो के दर्शन कराए, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के स्टूडियो में लेके गए। तो फर्स्ट गाना उनके चैनल से आया था, तो उस गाने में बहुत अच्छे कॉमेंट आए थे, आप बहुत अच्छा गाते हो, आप करो। तो हमने 4-5 दोस्तों ने हमने लहंगा गाना लिख दिया, उसका जो मुखड़ा था वो मैंने खुद का लिखा था, तो अंतरे हम लोगों ने मिल माल के बना दिया, तो बहुत अच्छा लगा गाना, बहुत वायरल हुआ। तो उसके बाद फिर मैं करते रहा करीब एक साल मैंने बहुत मेहनत करी, अपने
खुद के सैलरी से। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा 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 करके काम मिलने लग गया और सभी लोग अपने चैनल से गंवाने लग गया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। और फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, पर मेरे को ही सभी को किया लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा किया। तो जिस समय मेरा बहुत अच्छा होने वाला था उस समय सब काम खराब हो गया, तो ऊपर वाले की दुआ है तो ठीक हो रहा है। आज के समय भी बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं वही हफ्ते में आता रहा जी सुरेश प्रसाद सुल्ला जी की जो मैंने गाया है वो गाना अच्छा लगता है, मैं उसके दो लाइन सुनाता हूँ। हफ्ते माए तरका दिन टेलीफोन करिए मैं सुबह लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुबह। तो जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। तो मैं 4-5 साल से अंकल से जो हमारे बाउंडी भाई के जो पापा जी हैं पिताश्री हैं तो उनसे मैं बात फ़ोन पे ही बात करता था, तो मुझे काफ़ी सिखाते थे फ़ोन पे कि ऐसा होता बेटा ऐसे गाते हैं, भुला ऐसा गाते हैं, बाबू ऐसा गाते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं सभी को भी। इतना मतलब जो भी बात करता है इनसे तो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। और मगर बहुत बढ़िया लागू नंदगढ़ बात कर बेर और मगर सिकुन मगर सिखाला बीच मैंने सिखाला कि इससे गाने भुला इससे गाने का मगर बहुत बढ़िया लागू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सभी सब्सक्राइबर जो भी हैं सब लोग इस तरह को तो इतना चढ़ाइए कि क्या क्या जुबली होती हैं, सब मिलते रहे, सब बटन मिलते रहे। धन्यवाद। और इंदर बाबू पे वो प्रतिभा थी, जीजा हुआ मैं मुंबई था वहीं से बात होते रहती थी। जो भी अब इनसे एज में बड़ा हूँ तो थोड़ा सा हमने पहले धूप देखी है तो मैं बताता था बाबू ऐसे चलना मेरे को बहुत ये चीज करना बहुत मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया। तो उन दिनों में मुझे साथ दिया इन्होंने कि आप करो कोई बात नहीं। मेरा गाना यूट्यूब में ना प्राइवेट कर दिया गया, 4 लाख व्यूज थे, ट्रेंडिंग में गाना था, प्राइवेट कर दिया एक दिन के लिए। चाचा को फोन किया, चाचा ने बोला कोई बात करते रहो, अगर आपके अंदर हुनर होगा तो आप एक दिन। उस समय मेरे बहुत ज्यादा मैं होटल में जॉब करता था, लगाओ सुबह 6 बजे उठ के जैसे मैं उठा तो गाना प्राइवेट था तो बहुत बुरा लगा, रोना आया। तो इन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता, आप करते रहो। अच्छा अच्छा। तो मैंने बहुत बुरे दिन देख रखे, मैं सभी को शेयर करता हूँ, आप सभी को बताइए। तो मैं कभी भी कोई चीज छुपाता नहीं, मैं रियलिटी के साथ चलता हूँ। So ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो चाहे मुझे चलो चाहे मुझे स्टेज में गाना नहीं आता लेकिन मैं आज दुनिया में मतलब देखो उत्तराखंड में लोग सुनते हैं तो कुछ तो होगा अंदर तो सुनते हैं। चाहे मैं बड़प्पन है मैं बोलूं ये हमारे बाबू का बड़प्पन है, नहीं आता बाबू। आप उत्तराखंडी छोड़िए, भारत छोड़िए, विदेशों में भी इंदर आर्या जी की आवाज का जादू है। और कोई सही बात है, ये बात सही बात। अभी 55 वाला हूँ मैं, इंदर जब मॉडर्न कुमाऊं में सब नाच रहे थे परसों डीजे में तो मैं भी उछल पड़ा। ऐसे गाने गाए हैं बाबू ने। सही बात है। तो मैं अभी चाचा स्टेज में सीख रहा हूं बस। मुझे किसी ने बताया नहीं, कहीं पे भी नहीं बताया कि ऐसा करते हैं। जहां पे भी आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और सभी ने किया। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जब मैंने चाचा से बात करी और पवन भाई भी घर पे थे ना, हाँ, मेरे से बात कराई, पवन भाई ने मेरे को बोला इंदर भाई आपका एक गाना ना बहुत अच्छा लगता है वाला, सारा रा रा घूमला सतरंगी तेरा घागरा। तो भाई ने बहुत तारीफ करी, तो बहुत अच्छा लगता है वाला, बहुत बढ़िया लगा। पवन बहुत पवन खुद इंदर भाई का भतीजे का फैन है, बड़े हैं पवन से, दादा हैं। दादा मिलेंगे हम पवन भाई को मिलेंगे बहुत जल्दी देखो, और आपका बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू जाने बाबू आपका गाना है ना वो मंचू पे भी अब गाए, विदेश में जा रहा है, यूरोप टूर है उसका 2 महीने का, अरे वाह, वहाँ गाएगा इंदर के गाने। बहुत बड़ी बात है। सो ये चीज बड़ी अच्छी लगी जो बुरे वक्त में अंकल ने दा का साथ निभाया, दा को बहुत गाइड किया कि ऐसे करते हैं। तो ये चीज कह सकते हैं दा मिले आज फर्स्ट टाइम है इनसे, लेकिन गाइड उस टाइम से करते हैं जब से दा ने शुरुआत की थी। तो आज दा शाम को परफॉर्म करेंगे और भाई साहब बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया भैया ने। भैया आपका नाम? एक खिड़की दिख रही है, एक मॉल दिख रहा है, दो बजने वाला वो घर सा, वो अगले बन पर है, वो नया स्विमिंग पूल वगैरह हो रहा है। अच्छा अच्छा वही छे ना जहां में एक खिड़की एक दरवाजा है, एक दरवाजा माल तो एक टैंकी छे वो। हां माल में काल टैंकी छे वही छे बाबा। अच्छा अल्लाह ये बैठे चला। हां अगले पवन दीप जी का और ये अंकल हमारे साथ हैं, दा के साथ चलने आ गए। अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे भी शाम को महोत्सव में ही, ठीक है। सो दगड़ियों आज आपने जैसे कि देखा हम आए हैं आपका चंपावत और हमारे साथ जुड़े बहुत सारे लोग। अभी हम मिले आपका सुरेश राजन जी से, फर्स्ट मीटिंग थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सच्चे मन के इंसान है। जैसे उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया, हम उनसे मिले, उन्होंने हमारा इतना अच्छे से वेलकम किया, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ दा का इंटरव्यू भी लिया, हमने उनसे 2 बातें करी। और ये व्लॉग को मैं अभी एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।
और ऐसे ही मसाला और ऐसी चटकारा आपको मिलता है।